हेलो बच्चों वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड सिक्स वी आर इन चैप्टर नंबर टेंथ मैं और मैंसाइज में एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 के वीडियोस भेजने के बाद आज मैं जो आखिरी एक्सरसाइज है टेन पॉइंट थ्री उसका वीडियो भेज रहा हूँ इस एक्सरसाइज में आपको एरिया फाइंड करना है पॉलीगॉन साइज के जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के जनरली उसके ही ऊपर ही पूरा चैप्टर है एरिया फाइंड करना है तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ बराबर और अगर आपको स्क्वेयर का एरिया फाइंड करना है तो स्क्वेयर में चारों साइड सेम होती है लेंथ होती है वही ब्रेथ होती है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ यही दो फॉर्मूला पर काम करना है ठीक है तो कुछ सम्स मैंने एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री से भेजा है जिसमें क्वेश्चन नंबर वन का ए और डी सम क्वेश्चन नंबर टू का ए और फिर क्वेश्चन नंबर फोर का एक सम इस तरह से मैं आज आपका ये तीन चार सम सॉल्व करके एक साथ वीडियो एक साथ सम सॉल्व करके इसका वीडियो भेज रहा हूँ अब पहला सम देखते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर है पहले थ्री सेंटीमीटर ब्रेथ दिया है फोर सेंटीमीटर तो एरिया तो कैसा होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ तो यहां है थ्री ब्रेथ है थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर मतलब ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा या स्क्वायर सेंटीमीटर जो लिखना है दोनों सेम है लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो तो भी सही है स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो तो भी लेकिन ये लिखना पड़ेगा यूनिट इनसे पता चलेगा कि ये एरिया है हमने एरिया फाइंड किया है तो पहले का मिल गया अब दूसरे में यहाँ देखो यूनिट सेम होने चाहिए क्वेश्चन ऐसा है टू मीटर है और सेवेंटी सेंटीमीटर है तो जब भी ऐसा समझो ने मतलब आपका लेंथ मीटर में है और ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो पहले आप दोनों को या तो सेंटीमीटर में कर दो या तो मीटर में कर दो यूनिट इक्वल रहने चाहिए लेंथ और ब्रेथ के तो ही सही एरिया आएगा ओके यूनिट सेम कर दो तो वन मीटर देखो मैं ये, ये मीटर को सेंटीमीटर में कर रहा हूँ अब आपको पता है कि हंड्रेड सेंटीमीटर से एक मीटर बनता गा है अगर टू मीटर है तो टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो जो मीटर है उसका मैंने सेंटीमीटर कर दिया अब लेंथ बन गया 20 200 सेंटीमीटर और ब्रेथ बन गया 70 सेंटीमीटर अब एरिया फाइन करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मतलब लेंथ है 200 मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी तो सेवन टू जोटीन और तीन जीरो लगा दो तो फोर्टीन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया मिल गया ओके आई होप यू अंडरस्टैंड आपको इतना समझ में आ रहा है अब आगे क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर जिसमें आपको आ, लेंथ दे दी गई है टेन सेंटीमीटर तो जब भी आपको एरिया फाइंड करना हो स्क्वायर का तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्योंकि लेंथ ब्रेथ स्क्वायर में तो एक ही होता है क्योंकि स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल लेंथ की होती है तो टेन मल्टीप्लाई बाय टेन एल मल्टीप्लाई बाय एल मतलब टेन मल्टीप्लाई बाई टेन टेन जन्ड्रेड हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर एरिया राइट और अब क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में थोड़ा अलग से उसमें उसने एरिया दे दिया है हमें एक रेक्टेंगल सेप का कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर है लेंथ है 50 मीटर हमें ब्रेथ फाइंड करनी है ओके okay? जनरली क्या लेंथ ब्रेथ देता है और एरिया फाइंड करना होता है यहाँ पे उल्टा दिया है एरिया दिया है ब्रेथ फाइंड करनी है तो बहुत ही सिंपल है कुछ नहीं है सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल सेप uh, का फॉर्मूला है जो फाइंड करने का एरिया वो लगा दो तो एरिया लेंथ इन टू ब्रेथ अब जो एरिया दिया है उसकी जगह एरिया लगा दो एरिया दिया है 300 तो मैंने क्या किया एरिया की जगह 300 हंड्रेड इज इक्वल टू लेंथ डी है 50 वो लगा दो ब्रेथ मुझे फाइंड करनी है तो बी को ऐसे ही रख दो अब देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है तो मुझे बी चाहिए तो मुझे इसको यहाँ हटाना पड़ेगा जब मैं यहां हटाऊंगा इन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है और इसको इज इक्वल टू की इस तरफ ले जाऊंगा तो यह डिवीजन में चला जाएगा तो 300 हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टी तो 300 हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टी करोगे तो जीरो जीरो कट और फाइव सिक्स या थर्टी या फिर आपको डिवीजन आता है तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड है डिवीजन की वो भी कर सकते हो थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टी करो तो आपको सिक्स मिल जाएगा मतलब ब्रेथ मिल गई सिक्स मीटर तो अब मेरे पास लेंथ फिफ्टी ब्रेथ सिक्सटी फिफ्टी इंटू सिक्स अगेन थ्री हंड्रेड तो मतलब हमारा आंसर सही है ब्रैथ वो भी आप चेक कर सकते हो तो इस तरह से बच्चों आज मैंने टेन पॉइंट थ्री में ये सम्स का वीडियो आपको भेजा है अच्छी तरह से समझना अच्छी तरह से उसको पढ़ना तो आपको आ जाएगा बहुत ही आसान है बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है बाकी के जो कुछ सम्स हैं इसके जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन हाँ सेवन नंबर तक आपको होमवर्क में कर लेना है एक्सरसाइज टेन पॉइंट फोर के वन टू सेवन सम्स विल बी योर होम वर्क और कोई डाउट और द ग्रुप में जरूर भेजना मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी